नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बात करने वाला हूँ सीपीसी, सीटीआर, सीपीएम और सीपीए के बारे में। ये सारे टर्म्स डिजिटल एडवर्टाइजिंग में काम आते हैं। आपने ये सब एडसेंस या दूसरे कोई डिजिटल एडवर्टाइजर से सुना या देखा होगा। तो चलिए जानते हैं इन सारे टर्म्स के बारे में। तो पहला है सीटीआर। सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट। ये एक परसेंटेज होता है जिसमें लोगों की संख्या होती है जो कि एड देखने के बाद उस पर क्लिक करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ क्लिक से नंबर ऑफ इम्प्रेशंस यानी व्यूज से डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि किसी ऐड पर 100 व्यूज है और उसमें से 10 क्लिक हुए हैं उस ऐड पर, तो आप 10 को 100 से डिवाइड करेंगे और फिर 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10% CTR। अगला है CPM यानी कॉस्ट पर मिले। उसका मतलब होता है कि कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। CPM एक ऐसी कीमत है जिसके अनुसार हर 1000 इम्प्रेशंस के लिए एक फिक्स्ड रेट चार्ज किया जाता है, चाहे कोई व्यक्ति ऐड पर क्लिक करता है या नहीं। जैसे अगर CPM 100 रुपये है और ऐड को 5000 बार देखा गया है तो एडवर्टाइजर आपको पे करेगा 500 रुपये। अगला है CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक। CPC वो अमाउंट है जो कि एक एडवर्टाइजर पे करता है अपनी हर एक ऐड पर क्लिक करने पर। जैसे कि अगर CPC 10 रुपये है और ऐड पर 100 क्लिक है तो आपको मिलेंगे 1000 रुपये। अगला है CPA यानी कॉस्ट पर एक्शन या फिर कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये एक ऐसा कॉस्ट है जो एडवर्टाइजर पे करता है उस एक्शन के लिए, जैसे कि कोई साइन अप या फिर सब्सक्रिप्शन जो ऐड पर क्लिक करने के बाद होता है। एडवर्टाइजर तभी पेमेंट करेगा जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाए। जैसे CPU 50 रुपये है और 10 सब्सक्रिप्शन हुए है तो एडवर्टाइजर पे करेगा 500 रुपये। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।